जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2024-25। जी हां साथियों, राजस्थान में भी लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो चुकी है। 1 अगस्त 2024 से इस योजना को शुरू कर दिया गया है साथियों। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब इस योजना के तहत सभी लड़कियों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है, केवल लड़कियों के लिए यह योजना है। किन-किन लड़कियों को इसमें 1-1 लाख रुपए की सहायता मिलने वाली है और कौन-कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। एकदम आसान और सरल भाषा में हम इसको समझने वाले हैं। ताजा खबर सामने आई है साथियों, पूरी जानकारी हम आपको समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से जो ताजा खबर आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। क्या है लाडो प्रोत्साहन योजना, ये भी हम आपको समझाएंगे। किस प्रकार से पैसे मिलते हैं, कितने कितने रुपए की किस्त मिलती है, ठीक है, कब कब दी जाती है ये किस्त, सारी की सारी प्रक्रिया हम आपको समझाने वाले हैं। चलो जी शुरू करते हैं। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2024-25, ठीक है जी, सभी लड़कियों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। इन लड़कियों को नहीं मिलेंगे पैसे। पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या हैं, नियम क्या हैं, सारी जानकारी हम आपको समझाने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और ये खबर आपको कहाँ पर मिलेगी, ये खबर आपको मिलेगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी योजनाओं से संबंधित खबरें आती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलेगा। तो सारा का सारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। योजना की कोई भी खबर आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, योजना की नई योजना हो या कोई योजना की अपडेट हो, सीधा के सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, उड़े ही थान मिलेगी सब खबर, ठीक है जी। ये जो तुम्हारी योजना है ये केवल लड़कियों के लिए है, पोर्टल हुआ शुरू, यानी कि ये योजना शुरू हो चुकी है। भजन लाल शर्मा ने, जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार है, उन्होंने इस योजना को शुरू कर दिया है साहब। अच्छा, आप देखो, प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू। गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। यानी कि जो भी गरीब परिवार की लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा साथियों। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। जन्म से 21 साल तक बेटी का साथ निभाएगी लाडो प्रोत्साहन योजना। यानी कि जैसे ही कन्या का जन्म होता है और वो जन्म होने के बाद में 21 साल की हो जाती है, तब तक इस योजना में पैसे मिलते हैं। बिल्कुल साथियों, इस योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं। जब तक वो 21 साल की पूरी हो जाती है, वो शादी लायक हो जाती है या वो स्नातक तक पढ़ाई करती है, तब तक ये योजना आपको पैसे देगी। इसकी पूरी जानकारी समझते हैं। प्रदेश में योजना लागू 1 अगस्त 2024 से, यानी कि साथियों 1 अगस्त से ही इस योजना को लागू कर दिया गया है भजन लाल शर्मा ने, राजस्थान सरकार। इसके आदेश शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग डॉक्टर मोहन लाल यादव ने सभी जिला कलेक्टर, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग को जारी कर दिए गए हैं साथियों। यानी कि इसके जो आदेश हैं वो हर जगह पर जारी कर दिए गए हैं। जितने भी जिला कलेक्टर हैं सबके पास आदेश जारी कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में जो सहायक उपनिदेशक है, निदेशक है, उनके सबके पास में क्या कर दिए हैं, आदेश जारी कर दिए गए हैं, भिजवा दिए गए हैं, ठीक है जी। पात्रता शर्तें क्या हैं, सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। पात्रता शर्तें ये हैं, जब भी कोई कन्या का जन्म होगा तो उस कन्या के जन्म के समय, इसमें देखो जरूरी दस्तावेज क्या क्या, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। जिस लड़की का जन्म हो रहा है उसके माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है जी। ऐसा तो है नहीं कि कन्या साहब राजस्थान में पैदा हुई है,
अरे भाई उसके माँ बाप कहाँ रह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो यूपी में रह रहे हैं, जन्म हो गया राजस्थान में, वो तो कहीं भी हो सकता है भाई, डिलीवरी कहीं भी हो सकती है, समझ रहे हो ना। कोई भी गर्भवती माता है, कहीं सफर पे जा रही है या कहीं पर जा रही है, कोई रिश्तेदारी में आई हुई है राजस्थान में, तो उसका तो जन्म होगा बच्चे का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म बच्चे का राजस्थान में हुआ, नहीं, उसके माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ही उस बच्चे को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे, सारी चीजें समझ लेते हैं। कन्या का आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, वो तो होना ही होना चाहिए। जन आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें उसके पूरे परिवार का नाम रहता है, ठीक है साहब। मूल जाति आय प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से बनेगा कि भाई आपकी आय कितनी है, ठीक है जी। फोटो वगैरह, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, उनको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, राशन कार्ड भी है तो ठीक है, नहीं बना है तो भी कोई बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि साहब राशन कार्ड होना ही चाहिए क्या, ना ना भी हुए तो कोई बात ना, गरीब है ना तो मिलेगा लाभ उसको। माता पिता के आधार कार्ड जरूरी है, बैंक पासबुक, कन्या के नाम से खाता खुलेगा, ठीक है साहब। जब तक कन्या 5 साल की 6 साल की नहीं हो जाती है तब तक उसके जो पैसे हैं वो उनके माता पिता या उनके अभिभावक जो हैं उनके खाते में आएंगे साथियों। तो उनके माता पिता हैं या कोई अभिभावक संरक्षक हैं वो अपनी पासबुक जुड़वा सकते हैं, ताकि भाई अभी तो बच्ची तो छोटी है, तो बच्ची छोटी है तो उसका बैंक खाता खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं तो पैसे कहाँ आएंगे, तो पैसे उनके माता पिता के खाते में आ सकते हैं, उनके अभिभावक हैं उनके खाते में आ सकते हैं। बाद में फिर खाता चेंज करवा देना, बच्ची का जब खाता खुल जाए तो उसको जुड़वा दीजिएगा, ठीक है साहब। ये तो हो गए तुम्हारे जरूरी दस्तावेज। अब है किन किन को मिलेगा इस योजना का लाभ, जो भी बीपीएल परिवार की लड़कियां हैं जिनका जन्म हुआ है और वो बच्ची बीपीएल परिवार में है, यानी कि उनके माता पिता बीपीएल में है, गरीब परिवार से हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो भी गरीब कन्याएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब बीपीएल में किसी भी कैटेगरी का हो सकता है परिवार, ठीक है ना, बीपीएल परिवार में ओबीसी भी हो सकती है, एमबीसी भी हो सकती है, ईडब्ल्यूएस भी हो सकती है, और तुम्हारी एससी हो एसटी हो कोई सी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो बीपीएल में अगर हैं तो उनको लाभ मिल जाएगा साहब, ठीक है जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं 1 लाख रुपए की किस्तें किस प्रकार से दी जाएंगी, तो इसकी भी हम संपूर्ण जानकारी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल में जन्म हुआ है कन्या का तो उसको 2500 रुपए दे दिए जाएंगे, यानी कि बैंक खाते में 2500 रुपए आ जाते हैं जब इस योजना में आप आवेदन कर दोगे तो, ठीक है जी। तो 2500 रुपए तो बिड़ता ही मिल जाएगा जन्म होता ही बच्ची को, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में 1 साल पूरा होने पर जब टीकाकरण हो जाता है तो फिर 2500 रुपए आ जाएंगे उसके खाते में, जैसे ही 1 साल की हो गई कन्या, अब उसके टीकाकरण होता है ना, टीका टाका लगता है हॉस्पिटल में, तो फिर 2500 रुपए फिर मिल जाएंगे, ठीक है जी। इसके लिए प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है ना, हॉस्पिटल से पर्ची वगैरह जो होती है, डॉक्यूमेंट जो बनते हैं उसके, वो प्रूफ देने पड़ते हैं, अपलोड करवाने पड़ते हैं वेबसाइट पर, तब जाकर वो पैसे पास होते हैं, ठीक है साहब। तीसरा, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, कक्षा एक में जब वो प्रवेश लेती है बच्ची तो उसके खाते में 4000 रुपए डाले जाते हैं। जैसे ही आप पहली कक्षा में एडमिशन दिलाओगे बच्ची का, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे कोई निजी प्राइवेट स्कूल हो, आपकी मर्जी है किसी भी स्कूल में हो, उसका पहली कक्षा में एडमिशन होगा तो 4000 रुपए उनके खाते में आ जाएंगे, और जब कक्षा 6 में होगी वो बच्ची तब उनके खाते में 5000 रुपए आ जाएंगे, यानी कि पहली कक्षा में 4000, फिर उसके बाद में वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पास कर लेगी, फिर वह छठी में हो जाएगी, फिर छठी में उतना ही फिर 5000 रुपया डाल दिया जाएगा, ठीक है साहब। फिर छठी के बाद में कक्षा 10 में जब वो प्रवेश लेगी तो उसको 11000 रुपए की राशि दी जाएगी, यानी कि छठी के बाद में फिर 7वीं 8वीं 9वीं तक कौन मिली, फिर तो पटवा दो, फिर जब वह 10वीं में हो जाएगी फिर उन्हें 11000 रुपए दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बच्ची का पढ़ाना अनिवार्य है, बच्ची को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते आप, अन्यथा पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है साहब। और फिर जब वो बच्ची 12वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो उसको 25000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, यानी कि जब वो बच्ची जो कन्या इस योजना का लाभ लेने के लिए जो ये आवेदन करती है उसको 12वीं कक्षा में जब वो एडमिशन लेगी तो उसको 25000 रुपए फिर उसके खाते में डाल दिए जाएंगे, अच्छा साहब। फिर उसके बाद में अगर वो स्नातक में एडमिशन लेती है, यानी कि 12वीं पास करने के बाद में कॉलेज में चली जाती है, और कॉलेज में जब उसका एडमिशन होता है वो स्नातक पास कर जाती
जाती है तो फिर उसको 50,000 रुपए की राशि दे दी जाती है, और या तो फिर वो 12वीं पास के बाद में छोड़ देती है, कॉलेज नहीं भी करती है, तो फिर वो उसकी उम्र 21 साल हो जाएगी तब उसको फिर 50,000 रुपए डाल दिए जाएंगे खाते में। ये जरूरी नहीं है कि साहब वो आगे पढ़ाई करे, 12वीं पास तो करनी ही पड़ेगी, उनके बाद में कॉलेज में थारी मर्जी है तो पढ़ो नहीं तो टाल करो। लेकिन जब 21 साल की उम्र हो जाएगी उस बच्ची की, वो वयस्क हो जाएगी, 21 साल की हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, तब उसको 50,000 रुपए की राशि है उसके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उसके बैंक खाते में 50,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये टोटल 1,00,000 रुपए हैं, ये आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। ठीक है साहब, स्नातक में प्रवेश करने पर ऑल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे, यानी कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेती हैं तो आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कॉलेज वाले वो सारे के सारे अपलोड करने होंगे, तब जाके पैसे मिलेंगे आपको। और 21 साल की एज होने पर पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, 21 साल आधार कार्ड मार्कशीट वगैरह जो भी है उनमें एज आपकी फिक्स 21 साल हो जाती है, और आप शादी करना चाहती हैं तो फिर आपके पैसे जो है 50,000 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाते हैं। ठीक है जी, ये है पूरी जानकारी। अच्छा, अब कुछ लड़कियों के ऐसे भी सवाल रहेंगे कि साहब हम शादी पहले ही हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, तो भी आपके पैसे मिलेंगे, कोई पैसे नहीं खाएगा आपके, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी कहेंगी कि साहब हमारी शादी तो 18-19 साल की थी तब हो गई, अब हम 21 साल की अब हुई है तो हमारे पैसे कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे क्या, मिलेंगे, आपकी 21 साल एज हो जानी चाहिए, आपको पैसे मिल जाएंगे भाई। ठीक है जी, हाँ जी, बाद में कह दीजिए साहब मार तो कर्जो ले रुपया कर पैसा दो, मरने देना ही मन। ठीक है जी, ये है चीजें, पूरी जानकारी मैंने आपको समझा दी है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। और इस योजना के जो फॉर्म है वो आप ई मित्र के माध्यम से भरवा पाओगे, ठीक है जी, ई मित्र के माध्यम से आप इनके फॉर्म भरवा पाओगे, ऑनलाइन रहेगा सब ये सारा का सारा सिस्टम। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।